आज के टाइम में ना यार, लड़कियों की जो ग्रोथ है ना, वो कहीं ना कहीं रुक गई है। चाहे उनकी बॉडी की बात करूं, चाहे उनकी ब्रेस्ट की बात करूं, चाहे ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं, तो कहीं ना वो डीमोटिवेट होने लग गए हैं। मतलब आजकल तो यार, अगर मैं बहुत पर्सनली मतलब बात भी करूं, तो इतना सारा हो गया है कि पैडेड ब्रा आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, पैडेड पैंटीज आना स्टार्ट हो गई हैं बॉडी को एक अच्छी शेप देने के लिए। लेकिन जो नेचुरली बॉडी की ग्रोथ होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। तो आज मैं बात करूंगी हमारी ग्रोथ को लेके, ब्रेस्ट की ग्रोथ को लेके। क्योंकि यार, मेरे पास जब क्लिनिक पे पेशेंट विजिट करते हैं ना, मतलब लाइक 26 एज है, 27 है, तो वो कहते हैं मैम ब्रेस्ट में मतलब साइज में डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, 30 साइज है, 32 साइज है, हमें मतलब एक वो हम ड्रेस कैरी करते हैं तो वो लुक नहीं आता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यार होता क्या है ना कि हॉर्मोन्स जो है ना, उनमें चेंजेस आते हैं। तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए आपको जितने भी हॉर्मोन्स चाहिए ना, वो प्रॉपरली बॉडी में बैलेंस क्रिएट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। और बहुत सारी लेडीज में क्या इश्यू आना स्टार्ट हुआ है कि उनकी जब डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, अगर बच्चा बहुत जोर से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और बहुत लंबे टाइम तक कर रहा है, तो उनका जो एक्चुअल ब्रेस्ट साइज होता है ना, लाइक बिफोर डिलीवरी, वो उससे भी ज्यादा रिडक्शन हो रही है। तो ये भी बहुत ज्यादा इश्यू आज के टाइम में फीमेल फेस कर रहे हैं। तो आज की जो रेमेडीज है वो है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को लेके। तो उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे एक रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, वो ऑन, उस पर जस्ट क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना है, वीडियो को लाइक करना है। और ब्रेस्ट को लेके और भी हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, जिनका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहां जाके भी उन रेमेडीज को चेक कर सकते हैं। आयुर्वेदा में ना हमारी ओवरऑल ग्रोथ को लेके बहुत सारी चीजें बताई हैं, मतलब कि आप ये रसायन करो, इस तरह से चीजें फॉलो करो। लेकिन आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, वो प्योरली आयुर्वेदिक, 100% ऑथेंटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको जस्ट फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हमेशा ये चीज बताई, जैसे पीसीओडी में मैं बताती हूँ जूने वाली, वैसे ही ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में आपको क्या करना है। जिन भी लड़कियों को ब्रेस्ट का इश्यू है, वो ब्रेस्ट के साइज को, लाइक आप 30 पे हो, आपको 34 तक पहुंचना है, आप पहुंच सकते हो। हार्डली 10% फीमेल ऐसी होंगी जिनमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, 90% में रिजल्ट मिलेगा, आई एम 101% श्योर। आपको क्या करना है, पीरियड्स के फर्स्ट डे से, आपको जब पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, पता चल गया, आपको इतने से चावल लेने हैं, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको सोक करके रख देना, बिल्कुल हल्का सा पानी, जस्ट जिसमें आपको लाइक आधा चम्मच ही पानी निकले, बस इतना। और वो जिसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, छोटे छोटे वाले चावल होते हैं, मिक्स करके रख दिया। पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके और फिफ्थ डे तक आपको उस चावल के पानी के ड्रॉप्स लेने हैं, और इस तरह से नोज में दो दो ड्रॉप्स डालने हैं, और इस तरह से करके लेट जाओ 5 मिनट सुबह और शाम। इसको हम बोलते हैं प्रतिमर्श नस्य, यानी कि प्रतिदिन जो हम नस्य करते हैं, आयुर्वेदा का प्रोसीजर। ये इतना अच्छा काम करता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है, ठीक है, हमारी बॉडी में स्टेबल करना शुरू कर देगा, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा, मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, और धीरे धीरे करके आपकी ब्रेस्ट जो है वो टोन अप होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में एस्ट्रोजन अपना रोल प्ले करता है। बहुत सारी लड़कियों में ये इशू है कि उनका एस्ट्रोजन का लेवल बहुत डाउन होता है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट नहीं हो पाते, मतलब लाइक वहां पे टिश्यू पूरा फॉर्म नहीं करता, ब्रेस्ट में वो ग्रोथ नहीं होती है। जो मैंने आपको ये रेमेडी बताई, ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, आप सिंपल रखो, 1 चम्मच चावल को आप सोक कर दो, ठीक है, और उसमें 3 चम्मच पानी ऐड कर दो, बस सुबह उसमें से बस ड्रॉपर से बूंद बूंद लेके अपने नाक में डालो सुबह शाम, और उन पानी को 5 दिन चलने दो, बस सिंपल से रेमेडी है। ओवरनाइट सोक करना है, फिर 5 दिन आप उसको भिगोया रहने दो, और उसी में से ड्रॉपर से पानी लेके अपने नोज में डालते रहो। बहुत सारे लोगों में ये क्वेश्चन आएगा कि पानी में इतना कम डाला, चावलों ने अब्सॉर्ब कर लिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसमें हल्का सा पानी और ऐड कर दो, मतलब आपको पानी की इतनी क्वांटिटी रखनी है जस्ट कि आपको 5 दिन के लिए सिर्फ 20 बूंद पानी चाहिए, तो उतना ही पानी होना चाहिए, ये नहीं कि इतना भर के डाल दो, वो फायदा ही नहीं करेगा। अब बारी आती है सेकेंड रेमेडी की, सेकेंड स्टेप की। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट, और अगर आप लोग ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यार मैं इसमें 100% नहीं बोल सकती,
क्योंकि इसमें हम 70-80% लोगों में ही रिजल्ट दे सकते हैं। हम सिर्फ उसमें अपनी मेडिसिन से जो है वो पूरी कोशिश करते हैं एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करने की, जिसमें 70% तक लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट है। 30% लोग हैं जिनमें रिजल्ट नहीं आता, लेकिन उनमें भी हम 3 मंथ्स ही कोशिश करते हैं। अगर 3 मंथ्स में रिजल्ट नहीं आता है तो हम मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं, 3-6 मैक्सिमम मंथ, इससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब पीरियड्स में इसको क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये एस्ट्रोजन के लेवल पे वर्क करता है और हार्मोन को रेगुलेट करता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में। सेकंड स्टेप, मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स हर किसी के घर में अवेलेबल है, और मेथी दाना वातशामक होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, मेथी दाना जो है आधा कप पानी लेना है, उसमें एक चम्मच मेथी दाने को सोक कर देना है ओवरनाइट, ठीक है। सुबह उठ के जो मेथी दाने का पानी है उसको पीना है, जो वो एक चम्मच आपने सोक किया है उसका आप पाउडर बना लो। सिंपल, आपने पाउडर बना लिया, अब उस पाउडर में जो है आपको पानी ऐड करना है और उसका पेस्ट बनाना है। फिर आपके जो ब्रेस्ट है वहां पे उसके सराउंडिंग पे वो पेस्ट लगा के आपको हल्का हल्का मसाज करना है, और मसाज करने के बाद उस पेस्ट को कम से कम 20 मिनट आधा घंटा लगा रहने दो, और उसके बाद वॉश कर लो। ये क्या करेगा, ब्रेस्ट को स्ट्रेंथ करना स्टार्ट कर देगा और ब्रेस्ट के एनलार्जमेंट में हेल्प करेगा। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट का जो शेप आना स्टार्ट होती है उस पर वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो अब जो आपको मैंने बताया कि 15-20 मिनट तक रखना है या आधा घंटा, जो भी जितने देर में वो सूख जाए, वॉश कर दिया, अब उसके बाद आता है फाइनल स्टेप कि अब उस पर करनी है आपको मसाज। तो आपको क्या करना है कि अपने ब्रेस्ट के सराउंडिंग उस ऑयल को लगाना है, ठीक है, बादाम लोगन को, और अच्छे से मसाज करना है, और बाहर की तरफ आप उसको पुश करना स्टार्ट करोगे। धीरे धीरे मसल स्टोन अप होना स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा प्रेशर देना, बहुत ज्यादा भी नहीं, और मॉर्निंग और इवनिंग आपको मसाज करनी है। 1 मंथ तक रेगुलर आप इसको फॉलो करो, अपने आप में चेंजेस दिखते हैं तो आप इसको कंटिन्यू करो। अगर आपको इस रेमेडी से चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो 1 मंथ और कंटिन्यू करो, क्योंकि यू नेवर नो कि कब वो चेंज आना स्टार्ट हो जाए। और कई बार क्या होता है कि चेंजेस धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, और इसके साथ अगर आप रेमेडी के साथ हमारी मेडिसिन लोगे तो आपको डबल बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा जो पाउडर है यानी कि जो मैंने काढ़ा बनाया है वो डायरेक्टली आपके एस्ट्रोजन के लेवल पे वर्क करता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है कि कल को यार 30 से सीधा 40 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो हमारी बॉडी की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्योरली हर्बल है। तो ये सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इसके साथ मैंने इसके लिए एक मैजिकल ड्रिंक बताई थी जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में बहुत अमेजिंग वर्क करती है, वो आप जाके लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और उस वीडियो को भी साथ में फॉलो कर सकते हो। तो इन सिंपल स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप जो हो गया आपको नस्य करना है यानी कि राइस वाटर से, सेकंड स्टेप हो गया पेस्ट लगाना है, एंड थर्ड स्टेप हो गया आपको मालिश करनी है। राइस वाटर जस्ट पीरियड्स वाले 5-6 दिन जब भी होते हैं, पेस्ट आपको डेली लगाना है, और मसाज आपको 2 बार करनी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसके साथ मेडिसिन आप ले भी सकते हैं, नहीं भी, दैट इज टोटली योर चॉइस, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है, ठीक है। मेडिसिन डबल बेनिफिट देगी। अगर आप होम रेमेडी ट्राई करना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है, कुछ टाइम ट्राई करने के बाद आप स्टार्ट करना चाहते हो वो टोटली, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सिंपल सा था, बस आगे भी आप लोग इसी तरह की रेमेडीज चाहते हो तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लोग बताना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बहुत सारे लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए आते तो यार आप जो है हमारे यूट्यूब का जब आप ऊपर भी देखेंगे तो वहां पे हमारे क्लिनिक का एड्रेस मेंशन है, आप लोग वहां से भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। 11-2 ओपीडी होती है, बट हम फिक्स करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ, मैक्सिमम डेज होती हूँ वहां पे। अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हो तो डेफिनेटली आपको एक अपडेट रहता है कि कब मैं हूँ कब मैं नहीं हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली विजिट कर सकते हो। तो यार आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार दिया है, मतलब भर भर के प्यार दिया, और मैं तहे दिल से उस चीज के लिए शुक्रिया करती हूँ। आगे भी आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।